एंड दे आर प्रिटी गुड। मैं 6 फीट का हूँ तो यू नो आई एम फिटिंग वेरी वेल। ये शायद दो थोड़े ब्रॉड हैं। बूट कैम्प फैसिलिटीज़ पावर्ड बाय GeForce एंड जोवी। दीज आर द पीसीज के स्पेक्स बहुत अच्छे हैं। फिर से आ गई हैं ये और बुलाएगा मुझे, ठीक है बुलाएगा मुझे खुद से आ गए। So guys, I groomed up. Tomorrow we are all traveling to Thailand, and before that, a wedding के लिए we are, you know, so we are trying out a few kurtas for him. 44 size का था सब हटा दिया, अभी 42 size का we'll see what. You finally looking like a human. I always look like a human. The problem is कि मेरा 4-5 दिन में हुलिया बदल जाता है. I am a very manly man. Oh my God, guys, but I think this is looking bit loose on you. Yeah, maybe. 42 नहीं बन रहा है ना, बड़ा लग रहा है। आप 44 ये 44 दिया आप अभी या 40? 42 है। Okay. Yeah, but this is how it looks. But it's a bit, you know. Yeah. It's loose. But you look good. Turn around. Oh my God, this looks good. Okay, we'll try 42. Dupatta. I have got a dupatta already. Let's go. Color looks good. बढ़िया लग रहा है। 40. यार, you're slimmer and trimmer than me, bro. Obviously. I wear bigger size. Look at yourself in the mirror. Look at yourself. Ah, good man. You look good. You look good. Try one more, no? One. Try. Let's try some colors and बस. We'll keep the rest. अब इसलिए हम लोगों ने finally. हुआ है यार. नाड़ा भी इसमें इंसेन गाइस। जीजी बॉयज डन फॉर द मैन। मेरे को लग रहा है डेव इज गोना स्कोर अ फ्यू पीपल इन गोवा और एवरी गर्ल इज गोना बी लुकिंग एट यू नाउ आई थिंक। यू श्योर? या आई एम 100% श्योर। ऑफ कोर्स हिम, या आई एम टॉकिंग अबाउट हिम ओनली। ऑल द गर्ल्स देयर। ओह या। ऑल द सिंगल गर्ल्स देयर आर गोना गो फॉर मी। ऑल आईज ऑन मी। On him. You, not you. All eyes on him. All eyes on him. It's not going to be that comfortable, but yeah. It's just you're going to wear this for around 2 or 3 hours. For some time. It works for 2 hours. And it is super uncomfortable, to be very honest. After 2-3 hours, you will feel like you're walking barefoot only. But yeah, it's good. You call it uncomfortable. It is uncomfortable. You try wearing these. Okay. You do a lot of thing to putify boys anyway. Yeah, this is good. You are comfortable, no? It's gripping on your leg. Perfect. We'll go for it then. Bunter लोग दिख गए guys. सब अपने काउंटर पे खड़े हैं. बहुत भयंकर. सब अपना बोर्डिंग पास निकाल रहे हैं. Oh, international travel after ages. क्यों अजीब क्यों लग रहा हो? गाड़ी में ब्राउन कलर की क्या? नहीं। क्या यार? कैसे किधर है बाकी तो अपने बंटर? Oh my God, guys, everyone is here. देखो दोस्तों कितना दुखी हो रहा था, इसको सीधा पासपोर्ट पे वीज़ा ही मिल गया। मत दिखा दिखाते नहीं, सीधा ब्राज़ील का वीज़ा मिल गया। चलो अभी और हैप्पी। अब तो थाईलैंड भी जा रहा है, ब्राज़ील भी जा रहा है, और तेरे दोस्तों से पहले तुझे मिल गया ना वीज़ा। वाह। मेरे को क्या बोलता है, अरे यार मेरे को अगर नहीं मिला तो वो लोग को मिल गया तो मैं क्या करूँगा। और सनी ऐसा लग रहा है आप थाईलैंड जा रहे हो। थाईलैंड गया कभी? नहीं, थाई पे लैंड बहुत बार किया लेकिन। मैं उधर हूँ स्विस वॉचेस। Swiss watches में क्या मिलेगा आपको? Why going for a watch when you can go for a Swiss girl? Hugo boss है guys. विक्टोरिया जी का सीक्रेट है यहाँ पे। विक्टोरिया जी सीक्रेट्स में छुपा के रखती थी अपना, किसी को दिखाती नहीं थी सारा। उनका वाला किसी को पता नहीं। ए वो क्या स्वार्स्की क्या बोलो रहे यार एक बार। हाँ ये ठीक है क्या ये साजी स्टिक्स खुदे कान में डाल दे। आम्रपल्ली ओए। आम्रपल्ली इधर घुसे एग्जिट पे क्यों जा रहे? कहाँ जा रहे भाई ये लोग? कहाँ जा रहे? हम लोग नहीं जाते, हम लोग इधर जाते हैं। और सनी भाई आ चुके हैं। सबसे पहले जगह घेर लिया हम लोगों ने। सबसे पहले खाना। सो हम लोग कहाँ पे हैं? वी आर एट द लॉयल्टी लाउंज, जिनके पास क्रेडिट कार्ड, वीज़ा, मास्टर कार्ड रहता है, यू हैव सम फ्री एंट्रीज टू गो हेयर। फेंक दो कैमरा, फेंक दो भाई, फेंक दो, होगा देखा जाएगा। आ जाओ भाई। सो दोस्तों, अभी हम लोगों ने दोस्ती करी। दोस्त थे, क्या नाम? और एक जर्सी दे दिया मैंने, मेरा वाला, सो दैट यू नो शी रिमेम्बर्स अस, एंड इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस यार। वो कितनी 67 ईयर्स ओल्ड थी एंड शी शोड सो मच इंटरेस्ट इन यू नो नोइंग व्हाट वी आर डूइंग एंड शी पर्सनल। हाँ मतलब कुछ लोग का पर्सनल लाइफ उनको पता चल गया। बाकी अपार्ट फ्रॉम दैट यू नो कि ई स्पोर्ट्स के बारे में लोग जानकारी लेना चाहते हैं, एवरीथिंग रियली ग्रेट यार। मज़ा आया। कितना भक्चोद है वैष्णव। ये भैया यहाँ पे खड़े हैं, क्रॉक्स का स्टोर है, ठीक है, मस्त आता है, ओ भाई कैसे हो, मैं बोला कोई तो का जान पहचान वाला। भैया भी मस्त मुस्कुराने लग गए देख के। भैया सोच रहे हैं रात के 2 बजे कौन आ गया, बड़े 4 लोग आ गए, कहाँ से जा रहे हैं इन लोग, निकालो इनको एयरपोर्ट से, अभी फ़ोन लगाने वाले होंगे। क्या करते रहे वैसे। हाँ बहुत अच्छे लगे, घर जाएंगा। गाइस बाटा का चप्पल जो 200-300 का है इसका आता है, लेकिन नॉट इवन किडिंग, एक बार ले लिया ना तो बहुत सारे चलते हैं। मेरे 2019 वाले स्टोरी अभी बता रहा था, बैंकॉक जा रहे क्या बातें कर रहे हैं भाई, शर्म है थोड़ी, इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं वहाँ पे। बॉल चुर क्या भाई, फेंकते बॉल है भाई, वो ऐसे दूर फेंकते तो ऐसा वो बॉल डालेंगे तो ये बॉल के साथ साथ घूमेगा लग रहा है कुत्तों के लिए। ये क्या भागो करता है, वो उसको भी कोई कुत्ता रखा उन्होंने। गाइस यहाँ पे देखो क्या है, इंडियन टी। नया व्लॉग में आज हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाले हैं टोटो चेयर की। डुडली भाई आपके लिए गाड़ी लाए, 360 ब्रो, नियॉन गो गो गो। क्या बात है गाइस, हमें अच्छा कितने बजे आ रहे हो अनुज भी, हम लोगों को ही रिप्लाई नहीं देते हैं। ऑल गुड ऑल गुड। अनुज भाई मेरे को नहीं, सनी भाई को मैसेज आया था। ओ सनी भाई, ओ यस याद आया, उस दिन सूटा पोके आए थे हम लोग सब लोग। यस हाँ लूंगा ना पानी, यस सूटा पोके गए थे। कि इधर बैठ सकते हो, फिर वो पूछी कहाँ जा रहे हो, सब दोस्त लोग मस्ती कर रहे थे ऐसे करके, पूरा इंटरेस्ट लेके पूरा अनुज भैया ने बताया कौन क्या करता है, स्पोर्ट्स के सब मस्त। वन ऑफ द रियल्टीज ओल्डेस्ट फॉलोअर्स, 67 इयर्स ओल्ड। व्लॉग में लिया कि नहीं आंटी को, मैंने आंटी से बात करा था, व्लॉग ले लिया नहीं, व्लॉग नहीं जाने के टाइम पे आंटी क्यों नहीं किया, वो फोटो लिया ना। ए तो अभी व्लॉग कर रहा हूँ ना, अभी बताओ गाइस। वो आंटी ने कॉम्प्लीमेंट किया अनुज भैया को कि हम सबसे ज्यादा जवान अनुज भैया लग रहे थे, और 31 इयर्स ओल्ड ई स्पोर्ट्स प्लेयर है, उनको बिलीव ही नहीं हुआ, वो मान ही नहीं रही थी कि हम 31 बोल रहे थे। भाई सच बोल रही थी, खुश करने के लिए। मेरे को एक यूएस की आंटी क्यों खुश करेगी, उनको क्या मिल रहा है, ये बात भी सही है, उनके आपकी उम्र के बच्चे भी है। हाँ तो भी उसका बोल रही थी कि मेरा बच्चा तो बहुत मोटा दिखता है, तुम ऐसे इतने यंग कैसे, ऐसा कुछ। हाँ यार बहुत मस्त कन्वर्सेशन हुई। एक अच्छा पॉइंट बताया अनुज भाई ने कि हम लोग के आँख क्यों नहीं खराब होते, क्योंकि हम लोग अलग अलग जगह पे हम लोगों का फोकस रहता है जब हम लोग गेम खेलते हैं। वी आर ऑलवेज गेमर्स, बहुत फास्ट चेकआउट कर लेते हैं भाई। इतने सारे फ्लाइट नहीं है भाई, जी जी भाई क्या विंडो लिया भाई, जग से जो टूटे कोई सपना। किधर गया ये भाई, विंडो सीट किधर गया भाई, खिड़की इतनी है भाई, बुरा लगा भाई। डीएम भाई क्या कहना चाहोगे? मैं जो ज्यादा लालची रहते हैं ना, सबसे पहले अपना सीट बुक करते हैं, उनके साथ ऐसा ही होता है एक लोग। जबकि 6 था मेरा, पता लास्ट में मैंने ये डाला था शानपंथी करके। जिंदगी हो तो ऐसी हो। बेस्ट फ्लाइट अपडेट, वी आर ऑन बोइंग 787 एंड बहुत इंसेंट फ्लाइट है। बस अभी खाने को बादाम वगैरह मिला है, सब मूवीज देख रहे हैं। देयर इज अ गेम पैड ऑल्सो, सो इनके प्री डाउनलोडेड मूवीज हैं, यू कैन वॉच देम, यू कैन वॉच द एपिसोड्स, टीवी सीरीज, बिग बैंग थ्योरी, बहुत कुछ डाउनलोडेड है इसमें, है ना। फ्री के स्नैक्स मिलते हैं, ड्रिंक्स रहते हैं। बस अभी सो रहे हैं, सोने वाले हैं। सो मैंने अपना ये इसको क्या बोलते हैं, आई पैच, ये मैंने DIY से लिया था, अभी काम आ रहा है। ये लगा के शॉल ओढ़ के सो जाऊँगा एंड विल हैव सम फूड। देखते हैं पहुँचने के बाद आई कवर अप मोर। So see you guys till then. I hope you guys are enjoying. यहाँ तक आ गया तो लाइक का बटन दबाइए। इसको देखो यार, एक बादाम का पैकेट, दूसरा, कितने सारे बादाम खा रहे भाई ये। 22 तारीख, 22nd, 20। सोई नहीं है, कल हमारा मैच है, नींद नहीं है, बैक पर ही प्रॉब्लम है, टूट चुकी है बैक पूरी। अभी मैच हाँ यार, टेक्निकली 22 तारीख शुरू हो गई है और हम लोग आज पहुंच रहे हैं एक दिन पहले, बिकॉज वी हैड नो अदर ऑप्शन। हमारे एक प्लेयर के पास पासपोर्ट ही नहीं था, वो तो मिल गया भाई एम्बेसी वालों का, थैंक यू। हटा दो उसको, निकाल दो हेडली को, एंड करो निकालो तो हम लोग का वीज़ा ऑन अराइवल बहुत जल्दी हो गया। आई थिंक इट डेयरली टू कितना टाइम है अपने को, बाहर ज़्यादा टाइम लगा। मैनेजर इज वेरी फकल, प्लेयर्स को आके वीज़ा ऑन अराइवल करा रहे, बल्कि ई वीज़ा करना चाहिए। इधर देख, इधर ब्लॉग में देख, हमारा मैनेजर बहुत फकल है गाइस। ई वीज़ा करना चाहिए प्लेयर्स को। सुबह इधर 6:30 बजे आके हम लोग अराइवल में सब फॉर्म भर रहे हैं प्लेयर्स। सोचो सर, आज का दिन है ना, हमारे पास पेन है और धूप से लगाना पड़ रहा है पिक्चर्स गाइस। सोचो ऐसा है। आई होप यू एंजॉयड द व्लॉग गाइस। टूट गया हो गाइस, बिगड़ गया हो। चलो लाइक कर देना, बाकी व्लॉग्स आते रहेंगे। ओके, सबको लगेज भी मिल गया, ठीक है। चलो भाई, अब आई एम स्टन्ड एंड आई एम स्पीचलेस गाइस। जी बोलते चड्डी खोलते भाई, अपना बंदा क्या मशीन अपने आप चला रहा, क्या बोलते हैं इस। कैसा लग रहा है थाईलैंड आके काफ़ी समय के बाद? यार पैंडेमिक के बाद कहाँ इंटरनेशनल ट्रिप किया है। फर्स्ट सबका ही होगा ऑलमोस्ट। हाँ यस, वो कैंसिल हो गया, वो तो लगा हुआ वीज़ा अपना कैंसिल हो गया। थाईलैंड का Day 1 का व्लॉग अभी यहाँ से चालू होने वाला है। वी आर एट द एयरपोर्ट एंड AOT Limousine बोल के कंपनी है विच प्रोवाइड्स कार सर्विसेज फ्रॉम द एयरपोर्ट इटसेल्फ। सो वो बुक किया हम लोगों ने, बिकॉज वी आर 8 पीपल। 2-3 कैब लेंगे तो 900-800 भाट तो लग ही जाएंगे। सो वी टुक इट अराउंड 1200 भाट में दे विल ड्रॉप अस स्ट्रेट अवे टू रमिंद्रा बूट कैम्प। सो इससे ही निकलते हैं, सब आ रहे हैं अभी, ठीक है। वो सोए नहीं है गाइस कोई भी। हाँ हाँ, पूरा गाइस। सबसे बढ़िया था यूफो बाइको, फुल विंडो सीट। मैं तो मस्त, मेरा ब्लॉक था भाई, पूरा दीवार था भाई, मेरे को छोड़ के, भागने को छोड़ के। मैं बस आधा घंटा, 1 मिनट नहीं सोया। मैं सोया एंड के 1 घंटा सोया भाई। कितना बढ़िया स्कूल का वो पिकनिक बस जैसा भाई, मस्त। नहीं अनुज भैया, तो मैं आँख खुला ना उठ के, अनुज भैया कैसा बोल रहे, एरोप्लेन में बिजली गिरी, 5 साल आगे चला गया। मैं बोला ये सब कब हुआ भाई। मैं डर गया भाई, क्या हुआ ये भाई। वैष्णव का एंड होने वाला मेरे को लग रहा है, अनुज भैया पूरा लेने वाले वैष्णव को। कैमरे का उड़ा 2.5 लाख और उसमें माल कितने का लगा हुआ है, लेंस वेंस सब मिला के 3 पेटी का माल तो लेके घूम रहा है थाईलैंड में। हो गया पिक पॉकेट, लेट्स गो। आ गए हैं रमिंद्र बूट कैंप, अंदर से दिखाएंगे। डोंट वरी, द टूर विल बी डन सून। ओह यू आर लुकिंग सेक्सी ड्यूड। अब मेरे को गाली पड़ेगी व्लॉग के बाद में। होटल नहीं है भाई, ये बूट कैंप है। इसके अंदर नहीं गेमिंग वो पबजी का बनाया हुआ है। हाँ ये चल चलेगा भाई। अंडा सीट क्या होता है भाई? अंडा सीट डीलक्स है भाई। यस 1.4 है एल। ये आप लोग C2 में भी बैठ सकते हो। कैसे इधर बैठूंगा को इधर नहीं तो मैं यूज करूंगा वो पीसी। इसको बॉयस कुछ तो होगा, देखते हैं पता करते हैं। दीज आर द बंक बेड्स गाइस। सूटकेस का जगह नहीं है ये। ओके दिस इज द वार्डरोब एरिया। ओके सो एक वॉशरूम है। चलो एक चीज अच्छा सुसु पॉटी अलग है तो नहाने के टाइम पे नहा लो। सबको अलग अलग वो मिला है डीलक्स वो सब चले गए हैं। आई गिव यू अ क्विक टूर। तो यहाँ पे आप अपना ब्रश करो, फ्रेश हो जाओ। देर आर प्लेंटी ऑफ यू नो कबर्ड्स एंड स्पेस टू कीप योर थिंग्स एंड देर आर लॉकर्स विद कीज, टॉवल्स फॉर एवरीवन एंड यू कैन कीप योर एसेसरीज। सो कोई अगर पॉपअप बूट कैम्प करना चाहता है तो दिस प्लेस इज रियली रियली अफोर्डेबल। इट इज समवेयर अराउंड 5000 भाट यू कैन से, विच इज 12000 INR। तो 12000 में आपको आपके लिए लॉकर्स हैं, वॉशरूम है, यू हैव बंक बेड्स, 6 बंक बेड्स ऑलरेडी सक्षम ने एक ले लिया है एंड दे आर प्रिटी गुड। मैं 6 फीट का हूँ तो यू नो आई एम फिटिंग वेरी वेल। ये शायद दो थोड़े ब्रॉड हैं एंड दीज आर द पीसीज। पीसीज के स्पेक्स बहुत अच्छे हैं। They are running on 3070 Ti with 32GB RAM, 16GB के sticks हैं। There is an SSD and i9 12th generation है with the X series motherboard। 240Hz के XL 2456 के monitors हैं and peripherals are also there if you want to use। They've given C922 Pro और power backup भी दिया हुआ है and the very nice Zowie chairs. So I think this entire boot camp facility is powered by GeForce and Zowie. So you know you can see कि chairs काफ़ी comfortable लग रहे हैं and यहाँ पे थोड़ा बहुत कोई खाने पीने का भी बंदोबस्त किया हुआ है। There's a microwave, there's a small fridge. You have enjoyed the vlog so far and बस यही है सब। अभी हम लोग रेस्ट लेंगे, कल हमारा मैच है। आज का दिन हम लोगों को सेटअप करके यहाँ पे हाथ बैठाना है। पिंग रिड्यूस करने के लिए हम यहाँ पे आ तो गए हैं बट वी हैव ऑल्सो स्टेप्ड आउट ऑफ आवर कंफर्ट जोन। द टीम्स वी आर फेसिंग इट्स नॉट अ लैन, दे आर ऑल प्लेइंग फ्रॉम देयर यूजुअल प्लेसेस। MITH इज प्लेइंग फ्रॉम देयर बूट कैम्प, ब्लीड इज गोना प्ले फ्रॉम देयर बूट कैम्प। खाली हम है जो इंडिया छोड़ के वहाँ से यहाँ आए हैं एंड एक दिन में हम लोग को ये जगह से कोप अप करना है तो इट इज़ अ चैलेंज एंड या सी यू इन द नेक्स्ट वन।